नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर नेट क्लब के फ्यूचर ऐड प्रो के बारे में। फ्यूचर ऐड प्रो बेसिकली फ्यूचर नेट क्लब का एक अर्निंग प्रोडक्ट है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर ऐड प्रो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। जो फ्यूचर नेट क्लब का जो फ्यूचर ऐड प्रो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है, इससे जुड़कर आप कैसे अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने बिजनेस को यहाँ पे कैसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, आप यहाँ से व्यू बाई कर सकते हैं, व्यू जनरेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस का प्रमोशन यहाँ पे वेरी इजीली कर सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है फ्यूचर नेट क्लब के बारे में, और फ्यूचर नेट ऐड प्रो का जो प्रोग्राम है, इसमें आप ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, कैसे पैकेज हैं, यह काम कैसे करता है, तो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप अच्छी तरह से देखें, ठीक है। तो दोस्तों, फ्यूचर ऐड प्रो बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है, जो कि फ्यूचर नेट क्लब के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसी का एक पार्ट है, अर्निंग पार्ट है। फ्यूचर ऐड प्रो में करना क्या होगा आपको, बेसिकली इसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि जितने भी जो एडवर्टाइज़र हैं, उनको एक बेस चाहिए अपने प्रोग्राम का, अपने बिजनेस का, अपनी वेबसाइट का, अपने यूट्यूब का, फेसबुक पेज, ग्रुप, कोई भी बिजनेस हो आपका, किसी भी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफार्म हो, यह बेसिकली एक प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफार्म का एक पार्ट है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट बाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोशन कर सकते हैं, और खुद की जो पर्सनल अर्निंग है वो भी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टीम क्रिएट करना या ऐसी कोई वो नहीं है कि कंपलसरी आपको लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करवाना है। आप अपना पर्सनल पोर्टफोलियो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, खुद की अर्निंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप अपने टीम अगर क्रिएट करेंगे तो वहाँ से आपको कमीशन मिलेगा और आपकी अर्निंग यहाँ पे बढ़ेगी अगर टीम क्रिएट करते हैं तो, और आप अपना बिजनेस का प्रमोशन भी यहाँ पर कर सकते हैं इंटरनेशनली और नेशनली, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जो प्रमोशन का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं हम डेली डे टू डे लाइफ में, रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और जो भी सोशल मीडिया है, तो आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा साधन हो गया। इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी बिजनेस है उसका प्रमोशन करते हैं। तो फ्यूचर ऐड प्रो में ज्वाइन करने के लिए इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, और इसके जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं फ्यूचर ऐड प्रो के बारे में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके स्टेटस है पाँच है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर एंड फाइव, और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज दोस्तों, यहाँ को आप अगर आपको लेवल इनकम चाहिए, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ और फिफ्थ, तो यहाँ पे एनुअल चार्ज कटता है। तो उसकी जो फीस है वो $30 है, $80, $130 और $180 है। सपोज करो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया किसी भी पैकेज से, इसके दो पैकेज हैं, एक तो $10 का है और एक $50 का पैकेज है। तो 120 दिन के लिए यहाँ पर एक पैकेज वैलिड होता है, और 120 दिन का जो पैकेज है वो डेली बेसिस पे आपको 3 से 5 मिनट 10 ऐड पे क्लिक करना होता है, और जो 10 ऐड पे आप क्लिक करोगे 24 आवर में एक बार आपको 10 ऐड देखनी होती है, जो कि 5-7 मिनट में हो जाती है पूरी। और उसके साथ आपका चाहे एक ऐड पैक हो या 100 हो, 50 हो, 1000 हो, आपको सिर्फ दिन में एक ही बार 3 से 5 मिनट का टाइम लगा करके वो एडवर्टाइजमेंट आपको देखनी है, ऐड पे क्लिक करना होता है। बेसिकली ऐड पे क्लिक करना का जो फंक्शन है वो जस्ट ट्रैफिक एक्सचेंज करना होता है। जो भी ऐड यहाँ पे प्रमोशन होते हैं उनका ट्रैफिक एक्सचेंज होता है, और SEO और गूगल एडसेंस के द्वारा मोनिटाइज होती हैं वो ऐड, और उनसे फ्यूचर नेट को अर्निंग होती है। और उसका जो पार्ट है वो रेव शेयर का मॉडल आपने सुना होगा, टोटली ये रेव शेयर के मॉडल पर काम करता है दोस्तों। तो रेव शेयर का मॉडल और इसका जो अर्निंग और रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से कुछ परसेंटेज आपको ये हर 15 मिनट में आपको देता है 96 टाइम्स इन ए डे। तो जो अर्निंग है वो 0.8 से 1% के बीच में आती है, कभी कम कभी ज़्यादा, वो एज पर फ्लक्चुएट होती रहती है, 0.8, 0.9 आपका जो इन्वेस्टमेंट है, और 120 डेज तक कंटिन्यूस आपको अर्निंग आती है। और जो आपका एड पैक है वो एक्सपायर हो जाता है 120 डेज से 140 डेज के बीच में, तो वहाँ पर आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं या दोबारा से एड पैक बाई कर सकते हैं। टोटली ये कंपाउंडिंग का प्रोग्राम है, यहाँ पर जितने ज़्यादा एड पैक होंगे पर डे की जो इनकम है वो आपकी मल्टीप्लाई होती रहेगी, और आपका पर डे का जो ग्रोथ है वो बढ़ता रहेगा। बेसिकली यहाँ पे टारगेट होता है 1000 एड पैक्स का। जिस दिन आपके 1000 एड पैक हो जाएंगे तो पर डे की जो अर्निंग है आपकी $500 के आसपास यहाँ पे हो जाती है, तो आप वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टीम क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप
नेटवर्कर नहीं है, तो आप यहाँ पे खुद का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अकेले घर बैठ के, ठीक है। और अपने बिजनेस का एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। अगर आपने टीम क्रिएट की, डुप्लीकेट किया इस बिजनेस को डाउन साइड में किसी यूजर से, अपने लीडर से, तो आपको जो वहाँ से कमीशन मिलेगा वो 5 लेवल का कमीशन मिलेगा, और उस कमीशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले लेवल 1 पे आपको 3% है, 3% डायरेक्ट, यहाँ पे कोई सालाना फीस नहीं है। अगर लेवल 2 का कमीशन चाहिए तो लेवल 2 पे फर्स्ट लेवल से 4% मिलेगा, सेकंड लेवल से 1%, तो $30 यहाँ पे एक साल की फ़ीस है वो आपको देनी होती है। अगर आपको लेवल 3 का कमीशन चाहिए, फर्स्ट लेवल से 6, सेकंड से 3 और थर्ड से 1%, तो यहाँ पे $80 की फ़ीस है, तो वो आप 6 महीने में एक बार भी दे सकते हैं, $45 करके। अगर आपको लेवल 4 का कमीशन चाहिए यहाँ पर, तो फर्स्ट लेवल से आपको मिलेगा 7%, फिर 3, 1, 1, तो यहाँ पर $130 एक साल की फ़ीस होती है, तो हाफ मंथली वो $70 करके आप 6 महीने में एक बार दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5वां जो पैकेज है, अगर आपको 5 लेवल की इनकम चाहिए, जब आप टीम क्रिएट करेंगे तब, जैसे आपके नीचे एक बंदा, उसके नीचे एक, इस तरह से लेवल इनकम होती है, तो 8411 यहाँ से आप 5% 5 लेवल की इनकम उठा सकते हैं। वहाँ पे $180 फीस है एक साल की, और $95 6 मंथ में एक बार यहाँ पे आप दे सकते हैं दोस्तों। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एड पैक्स हैं वो बाई कर सकते हैं लेवल के हिसाब से, इन्होंने दे रखा है। पहले लेवल पर आप मैक्सिमम एड पैक 50 बाई कर सकते हैं, दूसरे लेवल पर 150, तीसरे पे 300, चौथे लेवल पे अगर 4 लेवल की इनकम चाहिए आपको तो मैक्सिमम 600 एड पैक बाई कर सकते हैं, और अगर आपको 5 लेवल की इनकम चाहिए तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 1000 एड पैक बाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये जो स्ट्रक्चर है, प्लान है, ये पसंद आया होगा दोस्तों। और दो ही पैकेज है इसमें, एक तो $10 का है और एक $50 का पैकेज है, ठीक है। तो इस तरह से जो अगर आप टीम क्रिएट करते हैं तो आपको जो टीम का कमीशन है वो इस लेवल में प्राप्त होता है, जो रेशियो हमने आपको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट लेवल, ये लेवल है, इसमें कैरियर प्लान में क्या इन्होंने दे रखा है, कैरियर एग्जांपल जैसे के तौर पे जैसे बता रहे हैं कि जैसे आपने 100 एड पैक खरीद रखे हैं, ठीक है, आपका जो 100 एड पैक आपका होना चाहिए और 500 एक्टिव पार्टनर होने चाहिए 5 लेवल पे टू क्वालिफाई फॉर फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट लेवल। ये एडवर्टाइजमेंट लेवल है फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसके ऊपर आपको कुछ कमीशन मिलेगा। जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट लेवल है कंप्लीट करते हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशन, तो 20% जो आपको है वो एडवर्टाइज फ्रॉम 1 पर्सनल पार्टनर 20% टेकन इनटू अकाउंट अप टू 100 पार्टनर, ठीक है। तो इस तरह से आपको कमीशन मिलेगा यहाँ पे 20% 20%। लेवल 1 में 100 एड पैक होना चाहिए, लेवल 2 में 300 एड पैक, लेवल 3 क्वालिफाई के लिए 600 एड पैक, लेवल 4 के लिए आपके 1000 एड पैक होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपके जो पर्सनल पार्टनर है उनसे आपको कमीशन प्राप्त होता रहेगा। जो कमीशन का स्ट्रक्चर है वो इसमें दिखा रखा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट है जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, इस तरह से ये जो लेवल है इन्होंने लेवल बना रखे हैं। 100 एड पैक वाले को बोलेंगे जूनियर, फिर सेकेंड जूनियर, फिर थर्ड जूनियर, फिर फोर्थ जूनियर लेवल 1000 एड पैक वाले को, ठीक है। और इसके बाद इसमें नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में फर्स्ट जो कंडीशन है, एक्टिव पार्टनर इज ए पर्सन विद एटलीस्ट 1 एक्टिव एड पैक। आपका जो एक्टिव पार्टनर यहाँ पे उसको बोला जाएगा जिसने 1 एड पैक बाई कर लिया हो, तो उसको यहाँ पे हम एक्टिव पार्टनर बोल लेंगे। और डेली परसेंटेज को क्वालिफाई करने के लिए, डेली आपको अर्निंग लेने के लिए कम से कम आपका 8 पैक होना बहुत ज़रूरी है, 1 एड पैक, ठीक है। उसमें डेली आपको 10 एडवर्टाइजमेंट देखने हैं 24 आवर्स में एक बार। उसके बाद थर्ड कंडीशन है परचेज वैल्यू ऑफ 1 पैक, ये जो एड पैक है उसकी वैल्यू एक $10 की है, अरे $50 की, जो FND यहाँ पे लिख रखा है वो फ्यूचर नेट डॉलर है, जो कि $1 के बराबर है, ठीक है, फ्यूचर नेट डॉलर 1/1 इक्वल टू USD। तो इसमें क्या होता है कि अगर $10 का एक पैकेज बाई करते हैं तो आपको 160 व्यू मिलेंगे, और $50 का पैकेज बाई करते हैं तो आपको मिलेंगे 800 व्यू। एडवर्टाइजमेंट व्यू हैं, आप अपने किसी भी बिजनेस लिंक को प्रमोशन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 160 और 800 व्यू मिलेंगे, 10 वाले पे 160 और $50 के पैकेज पे 800 व्यू मिलेंगे, 50 वाले पे, 10 वाले पे 160, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आपको अपने बिजनेस लिंक के लिए इतने व्यू मिल जाएंगे वहाँ पे। फोर्थ है इसमें एड पैक
क्लोज आफ्टर वर्किंग आउट द फाइनल इनवॉइस वैल्यू ऑफ 6500। जैसे $50 का एक्ट पैक आपने बाय किया तो 120 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, वहाँ पे आपको $60 की इनकम मिलेगी, और उस $60 को आप निकाल लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक ऐड पैक और बाई कर सकते हैं उसी $60 के माध्यम से। इस तरह से आपकी अर्निंग जो है कंपाउंडिंग पावर में चली जाएगी। कंपाउंडिंग में जो है आपके ऐड पैक जितने ज़्यादा होंगे उतनी अर्निंग आपकी जुड़ती रहेगी, और पर डे की जो अर्निंग वो आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, मल्टीपल ऐड पैक्स। नेक्स्ट नंबर 5, इसमें क्या है कि इन ऑर्डर टू अर्न कमीशन इन डेप्थ ऑफ योर स्ट्रक्चर स्टेटस सेकंड। स्टेटस फर्स्ट में तो आपको फर्स्ट लेवल से 3% मिलेगा, स्टेटस सेकंड जो है उसमें आपको मिलेगा एज पर स्टेटस की जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, और जब आपका 120% हो जाएगा टोटल कमीशन एक पैकेज के ऊपर, तभी आपका एक ऐड पैक एक्सपायर हो जाएगा, तो उस ऐड पैक का जो रिटर्न मनी आप ले भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, या दूसरा ऐड पैक आप बाई कर सकते हैं। नंबर 6, 5% ऑफ बिलिंग इज डिपॉजिट इन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। जो आपका डेली का रेवेन्यू होगा, आपको डेली की जो इनकम होगी 95% तो आपके अकाउंट में जाएगी, और 5% है वो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रखा है वहाँ पे जाती रहेगी। उस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में जितने डॉलर आपके इकट्ठे होते रहेंगे उनसे आप अलग से एडवर्टाइजमेंट अपने बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए व्यू खरीद सकते हैं 5% से, बाकी 95% फंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, नंबर 7 पे इन्होंने बता रखा है विद द विड्रावल ऑफ कमीशन इन द फ्यूचर एड प्रो 5% ऑफ विड्रावल इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अपग्रेड योर पोजिशन इन फ्रेंड्स ट्री अप टू रॉयल इनकम। आफ्टर रिचिंग रॉयल पोजिशन 5% इज ट्रांसफरिंग स्टिल। ओके, तो फ्यूचर नेट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर आप अपना जो पोर्टफोलियो वो बिल्ड कर सकते हैं, और जो 5% विड्रावल है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका यहाँ से रॉयल फ्रेंड्स ट्री के अप टू रॉयल इंक्लूसिव का जो है इसका जो क्लब है उसमें डायरेक्ट जाता रहेगा, 5% ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे आप रॉयल पोजीशन में पहुँचेंगे वहाँ से 5% फिर अगेन कलेक्ट होगा फॉर पर्पज ऑफ अकाउंट अपग्रेड एंड फ्रेंड्स ट्री। ठीक है, परचेज ऑफ फ्यूचर नेट प्रोडक्ट पैकेज, यहाँ से आप फ्यूचर नेट के प्रोडक्ट पैकेज भी बाई कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ मीडिया पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि आपका यहाँ से 5% फ्यूचर नेट की जो मैट्रिक्स है वहाँ पर भी आपका ऑटो पोजीशन में जाता रहेगा, और वहाँ पे आपका पोजीशन वो जुड़ता रहेगा, और वहाँ पे आपको कुछ मीडिया पॉइंट्स मिलेंगे, उस मीडिया पॉइंट्स के माध्यम से आप फ्यूचर नेट का कोई भी प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्यूचर नेट के फिलहाल 14 प्रोडक्ट हैं, 14 में से जो 4 अर्निंग प्लेटफॉर्म है ये ऑनलाइन के, उसके माध्यम से फर्स्ट जो अर्निंग प्रोडक्ट है फ्यूचर ऐड प्रो, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह वर्क करता है। और नेक्स्ट जो भी आपका लेवल है एडवर्टाइजमेंट लेवल 2 आपका क्वालिफाई हो गया, तो आपको आईफोन 6 और सैमसंग गैलेक्सी X7 मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट 2 ये वाला है, 300 ऐड पैक। जिस दिन आपके 300 ऐड पैक हो गए, ठीक है, 300 ऐड पैक हो गए, उस दिन आपको यहाँ से कंपनी की तरफ से एक आईफोन 6 और सैमसंग गैलेक्सी S7 यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट लेवल के लिए, थर्ड लेवल के लिए मैकबुक एप्पल के मैकबुक ये आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट लेवल 4 है, उस पर आपको एक फॉरेन की ट्रिप मिलेगी किसी भी कंट्री की, जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तब आपको वो बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये फ्यूचर नेट का, फ्यूचर ऐड प्रो का जो एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रिंग है उसको नोटिफिकेशन को पुश कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आने वाले टाइम में हम आपके लिए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, और फ्यूचर नेट से रिलेटेड करंट अपडेट जो भी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है वो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।